हमारे जो बड़े थे उनको मौका नहीं मिला, आज हम इतने खुश हैं कि उनकी मौजूदगी में इस शिवालय पे हम बैठे हैं। हम अपनी फीलिंग बयान नहीं कर सकते, जो पहले वक्त था आज वक्त बदल चुका है। शिवालय तेजा सिंह मंदिर बाद तो पहले असी अपने घर मंदिर छोटा सा बनाया, असी इतने पूजा कर हूँ बाद हो गया वे हूँ असी उठे जाकर पूजा। ये मंदिर शिवालय तेजा सिंह ये 1000 साल पुराना मंदिर है। पाकिस्तान बनने के बाद ये मंदिर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। तकरीबन 70-72 साल के बाद साड़ी सुनी गई, क्योंकि जो हिंदुस्तान लोग चले गए ना और उसके बाद आबादत यदि घट गई, फिर आबादत नहीं हुई, बाद कुछ टुट भज भी गया सी, कुछ इसकी हालत खालसा ज़्यादा खराब भी हो गई है। फिर जो हूँ आके जी वैल्यू बनी है बहुत प्यारी लगी। हम यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। इस धरती में हम पैदा हुए और हमारा जीना मरना इसी धरती के साथ जुड़ा हुआ है। जब जहाँ पे जान होती है ना, तो उस वक़्त यहाँ पे पूजा पाठ बंद कर दी जाती है। एहतराम के तौर पे हम एक साथ चलते हैं। वो साढ़े इस मजहबी काम के साढ़े दखलदारी नहीं लेंगे, वो कहते उन्होंने अपना काम है साढ़ा अपना काम है। इस गल के कोई सू पर जगराता भी करने ना तो सू नहीं मना कोई नहीं करता भी जिस टाइम तुम करो करो, खिदमत भी करते हैं साढ़े नाल काम भी करना पैदा बच्चे ने साढ़े यार दोस्त जड़े कोई गल नहीं नाराज नहीं कोई करते कोई नाराज नहीं गल होंगे खुश होंगे सारे दिल खोल के अभी पूजा उत्तर की है खुशी मनाई बच्चियां ने भी अभी भी शिवरात्रि पहली दफा अभी मनाई 72 साल बाद फिर शिवरात्रि मनाई गई। दादा बेटा और पोता एक जगह बैठ के हम पूजा कर रहे हैं। दादा ने यह वो माहौल नहीं देखा था जो अब देख रहे हैं। अब पोते तक ये नस्ल चल रही है। हम बहुत ही खुश हैं कि हमारी ये तीन नस्लें जो है ना एक साथ बैठ के यहाँ पर शिवालय में पूजा करेंगी। अपने धर्म का अपने मजहब का पता चल गया कि साडा मजहब है। इस तो पहले पता नहीं सी चलता इन्हों के असं की असं दूजे की गल सुन तो हल हो जाते, इधर की गल सुनते तो हल हो जाए। हूँ इन्हों खास पता लग गया कि असं हिंदू हाँ।